दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। आप सभी दोस्तों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष आप सभी अपने निर्धारित लक्ष्यों को अनिवार्य तौर शत प्रतिशत प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूं यूसेट परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, या कहें डायरेक्शन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द यूसेट एग्जामिनेशन 2024। कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा यूसेट परीक्षा 2024 के संदर्भ में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए कितना समय निर्धारित होगा, क्या दोनों प्रश्न पत्रों के बीच में गैप होगा या दोनों प्रश्न पत्र कंटिन्यू होंगे, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपको परीक्षा हॉल में पेन या पेंसिल ले जानी है या नहीं ले जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, बहुत सारे डाउट्स हैं जिनका समाधान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए सत्र को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। यहाँ पर नंबर वन पे दिया है द एग्जामिनेशन हॉल ऑब्लिक रूम शैल बी ओपन 30 मिनट्स बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट इज 7 जनवरी 2024 संडे। कैंडिडेट हु इज लेट बाय मोर देन 20 मिनट्स शैल नॉट बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन। तो परीक्षा होगी 7 जनवरी 2024 को रविवार को। आपको परीक्षा होने से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में पहुंचना है। तो ये आराम से आप देख लीजिए। परीक्षा शुरू होगी सुबह 10 बजे से और समाप्त होगी शाम के 1 बजे को, ठीक है। 10 से 11 बजे तक पहला प्रश्न पत्र और 11 बजे से 1 बजे तक होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, ये आप ध्यान में रख लीजिए। सेकंड यहाँ पर लिखा था द सीट मार्क्ड विद द रोल नंबर शैल बी एलोटेड टू ईच कैंडिडेट, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एंड ऑक्यूपाई द सीट्स एलोटेड टू देम बाय 9:40 AM। प्रत्येक कैंडिडेट्स को रोल नंबर अलाउट होगा, उनको एक सीट एलोटेड की जाएगी, वही सीट आपने अपने लिए ढूंढनी है, वहाँ पर बैठना है और 9:40 तक आपने परीक्षा हॉल में पहुँच जाना है। साथ ही इसमें लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट 12:30 PM से पहले परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ पाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है द कैंडिडेट शुड नॉट ओपन द सील ऑफ द टेक्स्ट बुकलेट बिफोर 10 AM इन पेपर वन एंड 11 AM इन पेपर सेकेंड। तो प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसे आपने 10 बजे से पहले नहीं खोलना है, द्वितीय प्रश्न पत्र को आपने 11 बजे से पहले नहीं खोलना है। तो पहला प्रश्न पत्र होगा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और द्वितीय होगा 11 बजे से 1 बजे तक। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर का जो बिंदु है, इसमें लिखा है द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी पेन ऑब्लिक पेंसिल इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑब्लिक रूम। किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा कक्ष में पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। द पेन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द टेक्स्ट बुकलेट एंड OMR शीट शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। बुकलेट और OMR शीट भरने के लिए अभ्यर्थियों को पेन परीक्षा सेंटर पर ही दी जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा। कैंडिडेट्स विल ब्रिंग ओनली एडमिट कार्ड एंड एनी वन ID प्रूफ। कैंडिडेट को केवल एडमिट कार्ड ले जाना है यानी प्रवेश पत्र और ID प्रूफ ले जाना है, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इस प्रकार से जो भी आपके पास ID प्रूफ है। मैक्सिमम लोगों के पास अब आधार कार्ड होता है तो आप उसे ले जाइए, बाकी पेन या पेंसिल नहीं ले जाना है। साथ ही इसमें दिया है यूज ऑफ कैलकुलेटर्स एंड लॉग टेबल्स इज नॉट परमिटेड। तो कैलकुलेटर वगैरह आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते, ये भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है इसे आप पढ़ लीजिए, द शेड्यूल फॉर रिंगिंग ऑफ द बेल इज एज फॉलोज,
कि कैसे उसमें बेल बजेगी, घंटी बजेगी। तो सबसे पहले 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एट द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, 15 मिनट बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, एट द एंड ऑफ द पेपर। तो घंटी कब बजेगी? एक तो जब आपका समय पूरा होने वाला होगा उसके 15 मिनट पहले, और फिर लास्ट में, बाकी बीच में नहीं बजेगी। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है, उन्हीं पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अर्थात usetonline.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है यूअर सेलेक्शन श्योर नाम से, उस पर जुड़कर भी आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है नो TA DA विल बी पेड टू द कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो कोई भी यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट्स को। तो महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, इस प्रकार का कुछ उसमें मिलने वाला नहीं है। स्कीम एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, ऑल द टू पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ बेस्ड होंगे दोनों प्रश्न पत्र, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड विल बी हेल्ड ऑन 7 जनवरी 2024 संडे एज अंडर, इस प्रकार से। तो पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा जिसमें क्वेश्चन होंगे 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ऑल आर कंपल्सरी। तो 50 क्वेश्चन होंगे पहले प्रश्न पत्र में, 100 नंबर के वो होंगे, यानी एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। इसका समय होगा 10 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक, 1 घंटे में आपने 50 क्वेश्चन करने हैं 100 नंबर के। दूसरा प्रश्न पत्र होगा 200 अंकों का जिसमें आएंगे 100 क्वेश्चन, और ये जिस विषय से आपने अप्लाई किया है उस विषय के होंगे। 100 क्वेश्चन, ऑल आर कंपल्सरी। इसका टाइम होगा 11 AM से 1 PM, देख लीजिए। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, 11 से 12 और 12 से 1 बजे तक। तो पूरी परीक्षा 3 घंटे की है, 10 बजे से 1 बजे तक, बाकी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लीजिए, देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर, दोनों प्रश्न पत्र के बीच में कोई भी टाइम ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू पेपर होंगे 10 से 11 और 11 से 1। पेपर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। पेपर सेकेंड विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द पेपर सेकेंड विल कवर एंटायर सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट विच इज अवेलेबल ऑन द यूसेट वेबसाइट, डेट इज यहाँ पर दिया गया है। इस वेबसाइट पर सेकेंड पेपर का सिलेबस उपलब्ध है, जिन विषय से आपने यूसेट के लिए अप्लाई किया है उनका सिलेबस usetonline.org.and/kunanital.in पर उपलब्ध है, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है, यूजिंग अनफेयर मीन्स, इसे पढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, इसलिए आप पूरे जो क्वेश्चन हैं 150 उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। पहले प्रश्न पत्र में 50 हैं, दूसरे प्रश्न पत्र में 100 हैं, टोटल 150 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक है, पूर्णांक हो जाएगा 300। तो 150 क्वेश्चन होंगे 300 अंकों के, तो आप कोशिश करें कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे आपको आता है नहीं आता, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट आंसर के लिए, ये आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी आप अन्य चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ें हैं, इसे डाउनलोड करके या टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप आराम से देख सकते हैं। एक यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला देख लीजिए। If any candidates raise any doubt about any item, questions he/she should be advised to answer the item/question as printed in the test booklet and make a representation to the member secretary in writing duly forwarded by observer coordinator. In case, यह है important यहाँ पे, in case of any discrepancy in the English and Hindi version, the English version will be treated as correct. यदि किसी प्रश्न में भाषा
से संबंधित त्रुटि होती है, कोई दिक्कत होती है, तो इंग्लिश वर्जन को प्राथमिकता दी जाएगी। इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। तो अंग्रेजी माध्यम का जो विकल्प होगा, उत्तर होगा, वो सही माना जाएगा। तो अंग्रेजी वाले पर आप ज़्यादा फोकस इसमें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पूरे चीज़ें आप समझ गए होंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ टेक्स्ट बुकलेट एंड OMR शीट, तो ये तो नॉर्मल है, आप परीक्षा देते आते रहे हैं, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये देख लीजिए आप OMR कैसे भरना है, ये तो कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। चेंज ऑफ रिस्पॉन्सेस बाय स्क्रैचिंग और यूजिंग वाइट फ्लूड इज प्रोहिबिटेड, तो वाइटनर वगैरह आप नहीं लगा सकते, वो परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, बैन है, तो निषेध है, उसे आप ना लगाएं। और अपने OMR को अच्छे से भरें, केयरफुली विद गुड हैंडराइटिंग, और विकल्पों को भी अच्छे से फिल करें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे कि दोनों प्रश्न पत्र के मध्य कोई टाइम का गैप नहीं होगा, दोनों प्रश्न पत्र के लिए टाइम होगा 3 घंटा, पहले के लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए 2 घंटा, टोटल 3 घंटा। क्वेश्चन होंगे 150, पूर्णांक होगा 300, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 अंक का, TADA इसमें नहीं मिलेगा, ये आप देख लीजिए। उसके अतिरिक्त यहाँ देख लीजिए कि कैलकुलेटर और लॉग टेबल्स आर नॉट परमिटेड, और पेन या पेंसिल आपको नहीं ले जाना है, वहीं पर मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड और एनी ID प्रूफ ले जाना है। तो मुझे लगता आप समझ चुके होंगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। यदि कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में देखिए, वहाँ पर कमेंट करके हम जवाब देंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी कीजिए, और USET से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन और पेपर हल किए, उन्हें आप देख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर USET एग्जामिनेशन 2024 क्लिक टू हियर, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड खुद भी कर सकते हैं USET की वेबसाइट से। ऑल द बेस्ट।